हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गु भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब, हाजिर हूं मैं क्लास 11th के लिए चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेकर। अभी तक हम एक्सरसाइज 3.2 तक जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कुछ कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कर चुके हैं। पहले मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया है, देन फिर एक्सरसाइज करवाया है। ओके बच्चा लोग, अब बारी है एक्सरसाइज 3.3 की। और सुनो, अब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले मिलने वाले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, फिर साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, टू थीटा वाले फॉर्मूले, थ्री थीटा वाले फॉर्मूले, समझ रहे हो। फॉर्मूले अब मिलने वाले हैं बहुत सारे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बच्चा लोग, मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा कि स्टार्टिंग के चलो 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन, इस तरीके से मैं नहीं करवाऊंगा। मैं आप लोगों को पहले जो मान लो जो भी फॉर्मूले होंगे, सपोज करो साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले जो फॉर्मूले होंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो एक्सरसाइज 3.3 में हो या फिर वो एग्जांपल में हो या फिर वो मिसलिनियस में हो, वो करवाऊंगा। फिर टू थीटा वाले फॉर्मूले करवाऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, चाहे वो मिसलिनियस में हो, चाहे वो एग्जांपल में हो, वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है बच्चा लोग, तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ टाइप वन। मैंने इनको टाइप में बांट दिए हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, ऐसे करके। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइप वन की, और टाइप वन में है बेसिक क्वेश्चंस। टाइप टू में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, उससे रिलेटेड जहां भी क्वेश्चंस होंगे वो करवाऊंगा टाइप टू में। फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूं टाइप वन, जिसमें बेसिक्स क्वेश्चंस करने होंगे। और टाइप वन में बेसिक क्वेश्चंस में है कौन कौन से क्वेश्चंस देखना जरा। एक्सरसाइज 3.3 का 1, 2, 3, 4, 8, 9 और एग्जांपल नंबर 10, समझ रहे हो ना मैं किस तरीके से स्टार्ट करने वाला हूं, इस 3.3 के कॉन्सेप्ट्स को करवाने वाला हूं। क्योंकि जनाब, अगर एक साथ मैं करवा दूं ना तो आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूले से रिलेटेड है। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए बच्चा लोग, ये आपके बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपको पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम की कहानी अगर आती हो तो फिर सारे क्वेश्चंस की आप लंका लगा सकते हो, नहीं आती तो जाकर देखिए, मैंने आप प्लेलिस्ट में वहां पे पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। चलिए आइए देखिए, एक बात बताओ बच्चा लोग, साइन स्क्वायर थीटा कहो या साइन थीटा का होल स्क्वायर कहो, बात तो एक ही है। साइन स्क्वायर थीटा कहो या साइन थीटा का होल स्क्वायर कहो, बात तो एक ही है। 10th क्लास में ये बात आप लोगों को पता लगी थी। ठीक है, ओके, टेकिंग LHS, फिर देन इसको ये लिख लेना। पहले लिखो आप टेकिंग LHS साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4। ठीक है यहां तक, अब सुनिए जनाब, ये लिखा है साइन स्क्वायर पाई बाय 6, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं क्या, साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और 10 स्क्वायर थीटा की जगह 10 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बच्चा लोग बोलो, दिख रहा है ना आप लोगों को, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, अब जनाब वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। बच्चा लो क्या होता है, 1/2। कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना होता है बच्चा लोग, 60, और कॉस 60 मेरे को नहीं पता, इतना पता जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 होता है, और साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, समझ रहे हो आप लोग। 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। एलसीएम ले लो 4, सो ये आ जाएगा 1 + 1 - 4, तो 2 - 4 - 2/4, इसको कैंसिल करोगे तो बच्चा लोग 2 × 2 = 2, 2 × 4, सो आंसर क्या आ गया, -1/2 = RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई है जनाब, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, मैंने LHS लिया, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा का होल स्क्वायर, इनकी वैल्यूज भर ली, क्वेश्चन कर लिया, है ना, कर ली। आया बच्चों को समझ में,
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू जनाब आप लोग भी करो मेरे साथ साथ, ठीक है, चलिए करते हैं। टेकिंग LHS, अरे हलवे क्वेश्चन है जनाब, हलवे क्वेश्चन। टू साइन स्क्वायर पाई बाय सिक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर सेवन पाई बाय सिक्स कॉस स्क्वायर पाई बाय थ्री, तो मैं वही काम करने वाला हूं। टू साइन स्क्वायर थीटा को, बच्चा लोग मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, बोलो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता। और इसी से तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, ठीक है जनाब। अच्छा एक बात बताओ, पाई बाय सिक्स कितना होता है, पाई बाय सिक्स होता है थर्टी, साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाय टू, ठीक है, ये हो गया आपका वन बाय टू का होल स्क्वायर, ओके बच्चा लोग। प्लस कॉसेक्स सेवन पाई बाय सिक्स, क्या सेवन पाई बाय सिक्स की आपको वैल्यू पता है, नहीं, अरे बहुत बड़ा एंगल है ये, तो तोड़ दो ना इसको, तोड़ दो। कैसे तोड़ते हैं सर जी, अरे क्वाड्रेंट सिस्टम वाले वीडियो में सिखाया था, कॉसेक जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको यहां लिख दो, यहां पाई आएगा, ठीक है, यहां पे क्या आएगा, पाई आएगा, तो सिक्स पाई एलसीएम लोगे, नीचे कुछ नहीं है तो वन है, एलसीएम लोगे तो सिक्स पाई, प्लस पाई करोगे तभी तो सेवन पाई बनेगा। और पाई बाय थ्री कितना होता है, 60 डिग्री, पाई बाय थ्री कितना होता है 60 डिग्री, और कॉस 60 नहीं पता, हाँ इतना पता है साइन 30 कॉस 60 होता है, साइन 30 वन बाय टू होता है, तो ये हो गया मेरा वन बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा लोग, वन बाय टू का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, प्लस पाई में चेंज नो चेंज, पाई में चेंज नो चेंज, आपको क्या बोला था, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। सो ये हो गया आपका कॉसेक पाई बाय सिक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक पाई बाय सिक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो चेक कर लो, विल बी चेंज और नो चेंज तो हो गया, पाई में होता है नो चेंज, विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, रूल नंबर टू, पाई प्लस समथिंग, बच्चा लोग यहां होता है आपका पाई, पाई में कुछ ऐड करोगे तो पहुंचोगे थर्ड क्वाड्रेंट, और आफ्टर स्कूल टू टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो यहां पे क्या आएगा बच्चा लोग, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब देखिए वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, ओके बच्चा लोग। अब इसके बाद देखो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ये तो हो गया वन बाय टू, है ना, कैंसिल कर दिया हमने, काट दिया, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, और देखो इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है, तो फिर माइनस पे भी तो स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और कॉसेक पाई बाय सिक्स, कॉसेक पाई बाय सिक्स क्या होता है, साइन पाई बाय सिक्स का उल्टा, तो साइन पाई बाय सिक्स बोले तो 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1 बाय 2, तो कॉसेक पाई बाय सिक्स कितना होगा, उसका उल्टा 1 बाय 2 का उल्टा 2 बाय 1, यानी कि 2, और यहां हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाय 4, तो 1 बाय 2, बचा लोग 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया ना भाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 बचेगा ना यहां पे, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, एलसीएम ले लो, तो 2 प्लस 1 3 बाय 2 आ गया आपका RHS, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैंस प्रूफ्ड। बोलिए जनाब कोई दिक्कत है, बेसिक्स क्वेश्चन है जनाब, बेसिक्स क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन का धुआं तो मिनटों में बन जाता है। तो चलिए हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू, ओके बच्चा लोग, वन कर लिया टू कर लिया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। कॉट स्क्वायर पाई बाय सिक्स प्लस कॉसेक पाई बाय सिक्स प्लस थ्री टेन स्क्वायर पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, आप लोग खुद से लिख लेना टेकिंग LHS और फिर क्वेश्चन को नीचे लिख लेना, ठीक है, मैं सीधा सॉल्व करता हूं क्योंकि जगह की बच्चा लोग कमी है। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा कहो या कॉट थीटा का होल स्क्वायर कहो, बात तो एक ही है। अब देखो क्या आपको कॉसेक पाई बाय सिक्स की वैल्यू पता है, नहीं पता ना, पाई बाय सिक्स तो बड़ा एंगल होता है, पाई बाय सिक्स का मतलब हो गया 180 अपॉन सिक्स 30 150 डिग्री, आपको 150 की वैल्यू पता है, नहीं पता ना तो तोड़ो इसको फिर, चलो आओ तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं बच्चा लोग, देखो जो ये कॉसेक लिखा है, देखो जो डिनोमिनेटर में है उसको यहां लिख लो, यहां पे ऑलवेज पाई, तो 6 पाई माइनस का पाई कितना हो जाएगा 5 पाई, 3 टेन स्क्वायर थीटा को बच्चा लोग 10 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 10 स्क्वायर थीटा को 10 थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है।
अभी देखो cot pi by 6, cot pi by 6 की वैल्यू पता आपको? pi by 6 होता है 30 डिग्री। भाई मुझे cot 30 की वैल्यू नहीं पता, हाँ इतना पता है 10 30 का उल्टा, 10 30 होता है 1 by root 3, तो फिर cot 60 कितना होगा? root 3 by 1, तो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको देखो, रूल नंबर 1, will be change or no change, pi, pi बोले तो x axis में no change, cosec का cosec ही रहेगा, ठीक है। और बच्चा लोग पाई कहाँ होता है? यहाँ होता है, पाई में से कुछ घटाना है तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कॉसेक क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड में, सो प्लस का रहेगा, नो टेंशन। टेन पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स होता है वन बाय रूट थ्री, और उस पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। बच्चा लोग स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो थ्री पाई बाय सिक्स कितना होता है? थर्टी। कॉसेक थर्टी नहीं पता मुझे, इतना पता है साइन थर्टी का उल्टा, तो साइन थर्टी होता है वन बाय टू, वन बाय टू का उल्टा टू बाय वन। ओके बच्चा लोग, और ये वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर बोले तो वन बाय थ्री, ठीक है। सो थ्री प्लस टू प्लस ये थ्री से थ्री कैंसिल तो वन, सो तीन और दो पांच, पांच और एक छ इज इक्वल्स टू आर एच एस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैंस प्रूव्ड। हलवा क्वेश्चन था, चलो अब क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। आप लोग लिख लेना खुद से टेकिंग एलएचएस, देन क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना फिर से, ठीक है। मैं सीधा सॉल्व करता हूं, फिर से वही लगाओ। साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बच्चा लोग कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बच्चा लोग इंटू टू सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बच्चा लोग अभी देखिए, साइन जो डिनोमिनेटर में उसको लिख लो फोर। कैसे तोड़ते हैं, कैसे सिखाया आप लोगों को? जो डिनोमिनेटर में है फोर उसको नीचे लिख लो, यहां पे ऑलवेज पाई, तो फोर पाई माइनस का पाई, समझ रहे आप लोग? फोर पाई माइनस पाई थ्री पाई, और इस पूरे पे क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। अच्छा कॉस पाई बाय फोर क्या होता है? कॉस पाई बाय फोर, जो साइन पाई बाय फोर होता है वही कॉस पाई बाय फोर होता है, तो साइन पाई बाय फोर होता है वन बाय रूट टू, तो कॉस पाई बाय फोर भी होगा वन बाय रूट टू, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है बच्चा लोग? स्क्वायर लगा हुआ है। सेक पाई बाय थ्री, सेक पाई बाय थ्री का मतलब होता है 180 अपॉन 3, 60, sec 60, भाई sec 60 नहीं पता मुझे, sec 60 नहीं पता, cos 60 का उल्टा होता है, और cos 60 भी नहीं पता, हाँ इतना पता है sin 30 cos 60 होता है, तो sin 30 पता है मुझे 1 by 2, तो cos 60 भी क्या होगा 1 by 2, ओके, एंड cos 60 अगर 1 by 2 है तो sec 60 क्या होगा उसका उल्टा, 1 by 2 का उल्टा 2 by 1, तो ये कितना हो गया बच्चा लोग 2 by 1। कहने का मतलब बच्चा लोग, मैंने ना सिर्फ साइन का मुझे पता है, बाकी तो मैं उसी से सारे का गेम खेल लेता हूं, ठीक है। आइए अब ये देखिए, टू पाई में चेंज नो चेंज, पाई में चेंज नो चेंज, नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, ओके। देन पाई माइनस समथिंग, बच्चा लोग पाई माइनस समथिंग, पाई में से कुछ घटाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, और सेकंड में आफ्टर स्कूल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए, प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर वन, रूट टू का स्क्वायर कितना होगा टू, टू का स्क्वायर बच्चा लोग फोर, ठीक है, ये टू लिखा हुआ है आपका। अब देखिए साइन पाई बाय फोर होता है बच्चा लोग वन बाय रूट टू, इस टू से टू कैंसिल, तो क्या हो गया ये वन, फोर टू जा एट, वन बाय रूट टू का स्क्वायर वन बाय टू, आठ और एक नौ, कितना होगा आठ और एक नौ, इस टू से ये टू कैंसिल, तो वन प्लस नाइन कितना आ गया 10 is equals to RHS, हिंदुस्तान पेट्रोलियम hence proved। बोलिए बच्चा लोग कोई दिक्कत है तो, आए समझ में कोई दिक्कत? तो हमने इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कर लिया है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की। cos pi plus x cos minus x upon sin pi minus x cos pi by 2 plus x, क्या लाना है जनाब? cot square x लाना है। चलिए, सो पाई, पाई में चेंज नो चेंज जनाब, एक्स एक्सिस में नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा, ओके। एंड पाई प्लस समथिंग, बच्चा लोग पाई यहां होता है, कुछ ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचोगे, और आफ्टर स्कूल टू, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है, तो यहां नेगेटिव आएगा। कॉस माइनस थीटा, बच्चा लोग क्लॉकवाइज एंगल चल रहा है, यानी कि यहां माइनस थीटा, और फोर्थ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी कॉस और सेक पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, और बाकी सारे नेगेटिव, सो कहने का मतलब कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, है ना।
सो कॉस माइनस एक्स क्या होगा बच्चा लोग, कॉस एक्स, ओके। एंड पाई, पाई में चेंज नो चेंज, एक्स एक्सिस नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, ओके। एंड पाई माइनस समथिंग, पाई में से कुछ घटाओगे तो सेकंड सेकंड में साइन पॉजिटिव। पाई बाय टू बोले तो वाई एक्सिस में चेंज, कॉस 90 का हो जाएगा साइन थीटा, और पाई बाय टू प्लस समथिंग बचा लो, पाई बाय टू होता है यहां पे, पाई बाय टू में कुछ ऐड करवाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आफ्टर स्कूल, साइन और कॉस एक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, सो कॉस जो होगा आपका ये क्या होगा, नेगेटिव होगा जनाब, नेगेटिव। बोलिए कोई दिक्कत है तो। सो माइनस कॉस इंटू कॉस क्या हो गया बच्चा लोग, कॉस स्क्वायर एक्स, एंड माइनस साइन इंटू साइन क्या हो गया बच्चा लोग, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस बर्बाद हो गया, एंड इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है, तो क्या मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बोलो बोलो। और बच्चा लोग कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स होता है, और कॉट थीटा का होल स्क्वायर कहो या कॉट स्क्वायर थीटा कहो, बात एक ही है, सो इज इक्वल्स टू RHS, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बोलो बच्चा लोग, बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन था, मजा आया करके। चलते हैं अब जनाब, क्वेश्चन नंबर हमने 8 भी कर लिया है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भाई साहब ये तो बड़ा ही भौकाल लग रहा है, देख के डर लग रहा है, इतना लंबा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, पे हो जाएगा, नो टेंशन, हलवा क्वेश्चन है ये भी। आओ करते हैं एक एक करके करते हैं, एक एक की लंका लगाते हैं। 3π/2 बच्चा लोग, 3π/2 मतलब 270 डिग्री, 270 का मतलब नीचे होता है, नीचे वाई एक्सिस, सो वाई एक्सिस में चेंज, कॉस का क्या बन जाएगा साइन, दिक्कत है जाके क्वाड्रेंट सिस्टम वाला वीडियो देख लो। 3π/2 यहां होता है, कुछ ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉस है, कॉस बोले तो पॉजिटिव, चलिए ठीक है। 2π में बच्चा लोग, 2π मतलब यहां होता है, 2π बोले तो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या होगा नो चेंज, तो क्या होगा कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है, कॉस एक्स का एंगल एक्स है तो एक्स ही रहेगा, ओके। 2π+ something बचा लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो प्लस का रहेगा, नो टेंशन जनाब। अब अंदर आ जाओ, 3π/2 बोले तो बच्चा लोग y एक्सिस में चेंज, कॉट का क्या बन जाएगा 10x बन जाएगा, और 3π/2 यहां, 3π/2 में कुछ घटाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10, क्वेश्चन को देखा जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है पॉजिटिव, बिकॉज आफ्टर स्कूल 2, 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो यहां पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 2π में चेंज नो चेंज, 2π बोले तो x एक्सिस में नो चेंज, कॉट एक्स, ठीक है बच्चा लोग, क्या रहेगा कॉट एक्स, और 2π+something बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है, चलिए। So, ये हो गया बच्चा लोग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, भाई समझ नहीं आ रहा अब क्या करो, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आंसर जो है मुझे 1 लाना है, इसका मतलब ये सबके सब बर्बाद हो जाएंगे, अच्छा 1 लाना है, तो एक काम करो बच्चा लोग, जब कुछ समझ में ना आए तो इसको साइन कॉस में तोड़ दो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, बोलिए कोई दिक्कत है तो। मैंने 10 को तोड़ दिया साइन अपॉन कॉस में, और कॉट को तोड़ दिया कॉस अपॉन साइन में। अब इसके बाद देखिए, ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स, अब एलसीएम लो, इस कॉस एक्स से कॉस एक्स बर्बाद हो गया, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन से साइन बर्बाद हो गया, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा बच्चा लोग आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, मैं यहां कर रहा हूं अब, तो ये देखो अरे ये क्या बर्बाद हो गया, तो यहां क्या बचा लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा शुड बी सेम, थीटा इस बार एक्स है, तो आंसर क्या होगा बच्चा लोग 1 = RHS हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बोलिए जनाब कोई दिक्कत है तो, आया समझ में, मैं बड़ा नहीं था, देखो कितना तुच्छ क्वेश्चन था ये, कितना तुच्छ क्वेश्चन था। इसी के साथ जनाब हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया है, अब बारी है एग्जांपल 10 की, तो चलते हैं जनाब एग्जांपल नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन है 3 sin π/6 sec π/3 -4 sin π/6 cot π/4। जनाब इतने क्वेश्चन करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद से इस क्वेश्चन की लंका लगा दोगे, खुद से लगा दोगे, तो आइए करते हैं।
पाई बाय सिक्स बोले तो 30 साइन 30 होता है 1 बाई टू, sec पाई बाय थ्री बोले तो 60, और sec 60 नहीं पता मुझे, sec 60 नहीं पता मुझे, cos 60 का उल्टा होता है, और cos 60 भी नहीं पता मुझे, इतना पता है sin 30, तो sin 30 होता है 1 बाई टू, तो cos 60 होगा 1 बाई टू, और sec पाई बाय थ्री होगा 2 बाय 1, क्या होगा बच्चा लोग 2 बाय 1। अभी साइन पाई बाय सिक्स बहुत बड़ा एंगल है, इसको तोड़ो जरा तोड़ो, जो डिनोमिनेटर में वही लिखो यहाँ पे पाए, तो 6 पाई माइनस पाए 5 पाई बाय सिक्स, कॉट पाई बाय फोर कितना होता है बच्चा लोग 1 होता है, टेन पाई बाय फोर भी 1, तो कॉट पाई बाय फोर भी 1 ही होता है, ठीक है, ये 2 से 2 बर्बाद हो गया। ओके पाई में चेंज नो चेंज, नो चेंज, रूल नंबर 2 विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पाई माइनस समथिंग, पाई होता है यहाँ पे पाई माइनस समथिंग सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत। अब सुनिए बच्चा लोग, सो पाई बाय सिक्स कितना होता है यार 180 डिग्री, साइन 30 साइन 30 होता है 1 बाय 2, सो 3 2 2 जा 4, 3 माइनस 2 आ गया 1, 1 बोले तो RHS, RHS बोले तो हेंस प्रूव्ड बच्चा लोग। सो इसी के साथ जनाब मैंने एक्सरसाइज 3.3 का कारवा लेकर चले हम लोग टाइप 1, जिसमें बेसिक्स क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में थे या फिर एग्जांपल में थे वो सारे क्वेश्चंस करवा दिए। मिलता हूं मैं एक्सरसाइज 3.3 के टाइप 2 के साथ, ये टाइप 1 था, टाइप 2 के साथ, टाइप 2 में a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले करेंगे, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज चाहे एग्जाम्पल या फिर मिसलेनियस जहां जहां भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन की हम लंका लगाएंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चा लोग, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।